जय हिंद। आजकल तो हवाई जहाज में बैठने से भी जो है सामान्य नागरिक को डर लगने लगा है। 1 मई से लेके पिछले 2 ढाई महीने का अगर हम पीरियड वहां पे देखें तो एक नहीं दो नहीं टोटल 9 ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर भारतीय प्रवासी जो हवाई जहाज में बैठे थे उनकी जान कहीं ना कहीं खतरे में चली गई थी। कभी वो एयर इंडिया हो, कभी इंडिगो हो, कभी स्पाइस जेट हो, आप कोई भी सिविल एविएशन से संबंधित कंपनी वहां पे ले लो, उनके हवाई जहाज से संबंधित अलग अलग तरह के प्रश्न, अलग अलग तरह के टेक्निकल ग्लिचेस हवाई जहाज से संबंधित निर्माण हुए थे और उसकी वजह से हजारों यात्रियों की एक तरीके से जो है उनकी सुरक्षा खतरे में वहां आ गई थी। एक गलती, एक चूक और उसकी वजह से जो है सैकड़ों प्रवासियों की जान भी वहां पे जा सकती थी। अगर हमने देखा तो कभी हमें ऐसे पता चला कि वहां पर एयर इंडिया का हो या किसी अलग कंपनी का हो, वहां पर केबिन में प्रेशर लो हो गया है। कभी हमें ऐसा पता चला कि वहां के जब हवाई जहाज उड़ रहा है उसके इंजन से धुआं निकल रहा है। कभी हमें ऐसा पता चला कि उसके इंजन में जो वेदर रडार है, हवाई जहाज उड़ रहा है और वो वेदर रडार ही फंक्शन नहीं कर रहा है, किस तरह का वहां का हवामान रहेगा, किस तरह की लैंडिंग करना है, उससे रिलेटेड कुछ भी इनपुट पायलट को वहां पे मिल नहीं रहे हैं। ऐसे एक नहीं दो नहीं अलग अलग तरह के टेक्निकल ग्लिचेस, अलग अलग तरह की तांत्रिक कमियां हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। ये क्या कुछ कम था? एक बार तो ऐसा हो गया कि हवाई जहाज वहां पे उड़ रहा है और उस हवाई जहाज की जो खिड़की है, जो विंडो पेन है, उसमें ही क्रैक आ गया। तो ये जो है सचमुच में बड़े सीरियस लैप्सेस थे, बड़े सीरियस टेक्निकल ग्लिचेस थे और एक छोटी सी चूक अगर वहां पे हो जाती, सही समय पर अगर लैंडिंग ना किया होता, सही समय पर पायलट ने सही निर्णय ना लिया होता, तो सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में थी, सैकड़ों यात्रियों की जो है उसमें से मृत्यु हो जाती। और अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा हादसा हुआ इस तरह की न्यूज़ सुनने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। मूलतः ये चीजें क्यों हो रही है? पिछले कई दशकों से भारत में सिविल एविएशन से संबंधित रिकॉर्ड, यानी ये अलग अलग तरह के जो हवाई जहाज है और उनकी सुरक्षा है उससे संबंधित इतने बड़े पैमाने पर चूक हुई हुई हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन पिछले 2-3 महीने का रिकॉर्ड हम देखेंगे तो जैसे मैंने कहा 9 बड़े बड़े हादसे हमारे ध्यान में वहां पे आए हैं। क्या मुख्य कारण है? इसका सही कारण है आर्थिक। इसका सही कारण है ये अलग अलग तरह की जो सिविल एविएशन कंपनीज है, ये अलग अलग तरह की जो एयरक्राफ्ट से संबंधित कंपनीज है, वो कहीं ना कहीं अपना आर्थिक हित साधने के लिए कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज के ऊपर, कहीं ना कहीं सिविल एविएशन सिक्योरिटी से संबंधित कंप्रोमाइज करते हुए हमें वहां पे दिखाई दे रही है। ध्यान में आप ले लो कि वर्ष 2019 से लेके अब तक कोरोना की महामारी थी और कोरोना की महामारी की वजह से जिस तरह के लॉकडाउन लगे, जिस तरीके से टूरिज्म ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गए, तो इन सिविल एविएशन कंपनियों का भी धंधा ठप पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 2020-21 में अगर ये सारी कंपनीज अगर हम एकत्रित तरीके से ध्यान में ले तो टोटल ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान इन सिविल एविएशन से संबंधित एयरक्राफ्ट कंपनीज को वहां पे हुआ है। अब ये अगर नुकसान हुआ है और अब कोरोना से संबंधित रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, टूरिज्म ट्रैवल फिर से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई, कहीं ना कहीं इसका कंपेंसेशन करने की जो है एक तरीके से होड़ इन कंपनीज में लगी हुई है। और अगर इसकी भरपाई करनी है, अगर ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है, तो इन सिविल एविएशन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा जो है उनकी उड़ाने उनको वहां पे भरनी होगी। हर एक कंपनी की वहां पे कोशिश है कि लो कॉस्ट एयरफेयर, ये एक तरीके से कंपटीशन है, तो इसको ध्यान में लेते हुए जितने ज्यादा उड़ान उनके कंपनीज के हवाई जहाज के होंगे, जितने ज्यादा पैसेंजर्स वो लेके जाके सकेंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट उनको होगा। ऑलरेडी ये कंपनीज लॉसेस में चल रही है और अगर ये कॉम्पेंसेट करना है तो उनको ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरना जरूरी है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर उड़ान उनको भरना है तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हर उड़ान से पहले जो टेक्निकल चेक्स करने हैं,
हर उड़ान से पहले जो बाकी सारी चीजें सिक्योरिटी से संबंधित सिविल एविएशन कंपनीज के स्टाफ को वहां पे करना है, कई बार टाइम लिमिट की वजह से, टाइम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इनमें कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपको याद होगा तो पहले क्या होता था, जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स है, मान लो फॉर एग्जांपल गुवाहाटी से मुंबई वो फ्लाइट आ रहा है और मान लो मुंबई से बेंगलुरु जा रहा है, तो गुवाहाटी से मुंबई जब फ्लाइट आएगा और मुंबई के प्रवासी मुंबई के एयरपोर्ट पर वहां पे उतर जाएंगे, तो सामान्यतः कम से कम 45 मिनट्स का जो है वहां पर टर्नओवर टाइम वहां पे रहता था। अब जो छोटे हवाई जहाज है उसके लिए ये टाइम कम करके सिर्फ 30 मिनट का किया गया है और बड़े जो हवाई जहाज है उनके लिए 40 से 45 मिनट का किया गया है। इस समय में क्या होता है, इस समय में जो है प्रवासी नीचे उतरते हैं, नए प्रवासी जो है वहां पे भरे जाते हैं, लगेज से संबंधित चीजें निकाली जाती है, नया लगेज वहां पे भरा जाता है, वहां पर जो सैनिटेशन करना है यानी जो स्वच्छता करना है वो क्रू स्टाफ उससे रिलेटेड चीजें करता है, बट साइमल्टेनियसली पायलट बाकी चीजें को भी वहां पे देखता है। उनका जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी ये चेक करता है कि फ्यूल लेवल बराबर है या नहीं, रडार से संबंधित जो वहां पर यंत्र सामग्री है वो ठीक से वहां पे चल रही है या नहीं, टेक्निकल पैरामीटर्स ठीक वहां पर है या नहीं, हवा का दबाव उन टायर्स में ठीक है या नहीं, अलग अलग तरह के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी वहां पे चेक किया जाता है। और जब ऑल ओके होता है तभी जाके पायलट वहां पे उड़ान भरने के लिए जो है तैयार होता है। दुर्भाग्यवश जब समय की कमी है तब बहुत बार ऐसा होता है कि ये इंजीनियर्स, ये टेक्निकल स्टाफ कई बार शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं और इन शॉर्टकट्स की वजह से कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लीचेस, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कॉम्प्रोमाइज वहां पे हो सकता है और 100 में 1 भी चीज ऐसी रह गई और उसकी वजह से जब हवाई जहाज उड़ रहा है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो आप जानते हो कि सिविल एविएशन सिक्योरिटी से संबंधित कितना बड़ा खतरा निर्माण हो सकता है और हजारों यात्रियों की जान भी इसकी वजह से खतरे में वहां पे आ सकती है। क्योंकि 1 मिनट का डिले, मान लो आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है और आपको जो चेक करना है वो 30 मिनट्स में आप ना करते हुए अगर आपने टाइम एक्सीड कर दिया तो उसे टेक्निकल स्टाफ को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों उनकी वजह, उनके साइड से जो है वो डिले हो गया, तो ये एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, ये पेनल्टी उनके ऊपर ना लगे, इसकी वजह से बहुत बार सिक्योरिटी से रिलेटेड, उस चेक से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज होने की शक्यता वहां पे होती है। और इसमें से ही अलग अलग तरह के सिविल एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड हादसे वहां पे होते हैं। तो एक कॉम्पिटिशन, दूसरा ज्यादा से ज्यादा उड़ान वहां पे भरना है जिसके माध्यम से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिल सके, और पिछले 2 सालों में कोरोना क्राइसिस की वजह से जो निर्बंध लगे थे और ये कंपनीज जो एक तरीके से जो है नुकसान में चल रहे हैं, इसकी सारी चीजों की भरपाई हो जाए इसके लिए सारी ये होड़ लगी हुई है। अच्छा, ये तो सारा मामला जो है एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इन कंपनीज के बीच में भी इस तरह का कंपटीशन वहां पे चलता है कि जिसकी वजह से ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। 2 जुलाई की तारीख आपको याद होगी और उस दिन ऐसा हो गया कि एयर इंडिगो कंपनी का जो स्टाफ है, जो क्रू मेंबर्स है, उन्होंने मास लीव यानी सारे के सारे लोगों ने जो है वहां पर लीव का एप्लीकेशन किया, सिक लीव। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही दिन जो है सारे के सारे लोग वहां पे बीमार पड़ जाए और एक ही दिन जो है सारे के सारे लोग वहां पर जो है लीव वहां पे मांगे। असली कारण ये था कि हमें जैसे पता है एयर इंडिया भी प्राइवेटाइज हो गया है, टाटा ने उसको लिया है और एयर इंडिया के कंपनी से संबंधित यानी ये टाटा एयर इंडिया प्राइवेटाइज जो कंपनी वहां पर है उसके क्रू से संबंधित, उसके स्टाफ से संबंधित वॉक इन इंटरव्यूज 2 जुलाई के लिए थे और इन वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने वहां पर इंटरेस्ट दिखाया। यानी क्या हो गया, इंडिगो कंपनी के या बाकी भी जो कंपनी के स्टाफ थे वो 2 जुलाई को उपलब्ध नहीं है। आपको ध्यान में लेना होगा कि इंडिगो कंपनी, अगर हम भारत का डोमेस्टिक एयर ट्रैवल वहां पे देखते हैं तो डोमेस्टिक पैसेंजर्स में से ऑलमोस्ट 57% पैसेंजर्स ये इंडिगो कंपनी से ट्रैवल करते हैं। अब उस दिन आपके पास क्रू ही नहीं है, उस दिन आपके पास स्टाफ ही नहीं है और उतने उड़ान आपको भरने हैं, जितने उपलब्ध आपके पास स्टाफ है उनसे अगर काम करा के लेना है तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि डिले होगा,
डिले तो डिले होगा, देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के माध्यम से जो जो चेक करने हैं, जो जो सिक्योरिटी चेक करने हैं, जो जो टेक्निकल चेक्स करने हैं, उनमें कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की जाएगी, उनमें कहीं ना कहीं कमी पेशी रहेगी और इसकी वजह से बहुत खतरनाक इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक इस तरह का ट्रेंड पिछले 2-2.5 महीनों में हमें देखना दिखाई दे रहा है और इसके पीछे सही मायने में इन कंपनीज के बीच में लगी हुई होड़, इनके पीछे ज्यादा से ज्यादा हवाई जहाज उड़ान करे, क्योंकि अगर हवाई जहाज जो है मेंटेनेंस के लिए सिर्फ वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा रहे, उसका मेंटेनेंस हम करें, तो एक तो जो है ये हवाई जहाज जब उड़ेगा तभी जाके तो पैसेंजर से हमें पैसा वहां पे मिलेगा, एक वो नुकसान, और दूसरा ये अगर हवाई जहाज एयरपोर्ट पे वहां पे खड़ा ही वहां पे रहेगा तो उससे संबंधित पार्किंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस, यूजर फीस वगैरह 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 खर्चा भी जो है इन एयर कंपनीज को वहां पे देना होता है। तो इन एयर कंपनीज का हमेशा फोकस रहेगा कि कितने ज्यादा से ज्यादा उड़ान वो उड़ा सके, कितने ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को वो लेके जा सके, और ये सारा करते हुए अगर वो पैसेंजर सेफ्टी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ये बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड वहां पे डेवलप हो रहा है। जल्द से जल्द भारत सरकार द्वारा, डीजीसीए द्वारा, सिविल एविएशन से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा और मुख्यतः मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा इसको जो है सीरियसली ध्यान में लेना चाहिए और उस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, उस तरह के रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली वहां पे लगाने चाहिए। और अदरवाइज जैसे मैंने खतरा वहां पे बोला, ये दिन दूर नहीं, इन 9 हादसों में कम से कम कुछ बहुत हानि वहां पर नहीं हुई, लेकिन भविष्य में हर एक वक्त हम उसी तरीके से सक्सेसफुल रहेंगे, उसी तरीके से जो है भाग्यवान रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं है। दुर्भाग्यवश सिविल एविएशन सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से हवाई जहाज का मिड एयर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उससे एक्सीडेंट हो जाएगा और सैकड़ों लोगों की उसमें जान भी जा सकती है। आखिरी लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं पायलट, उसको भी जो है एक तरीके से जो है साइड में किया जा रहा है, उसकी एक तरीके से जो है मेंटालिटी, उसकी जो है इफिशियंसी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पायलट फटीग रहेगा तो पायलट फटीग की वजह से अगर उसके रिफ्लेक्सेस, अगर उसके सेंसेस हाईएस्ट लेवल तक अगर नहीं रहेंगे तो एक गलती, एक चूक और जो है सैकड़ों प्रवासियों की जान वहां पर खतरे में जा सकती है। दुर्भाग्यवश ये भी हमें देखने के लिए मिला है कि कई घंटों तक उसी पायलट से जो है काम करा के आप ले रहे हो, पायलट फटीग की वजह से वहां पर एक्सीडेंट होने की भी पॉसिबिलिटी है और मैंगलोर से संबंधित जो एक्सीडेंट हुआ था उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पता चला है कि मैंगलोर का एयर क्रैश वाज ड्यू टू पायलट फटीग। कंपटीशन जरूर करना चाहिए, इन कंपनीज में पैसे भी जरूर बताने वहां पे जो है जमाने चाहिए, कमाने चाहिए, लेकिन वहां पर पैसेंजर्स की सिक्योरिटी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसको जो है सर्वोत्तम इस तरह का प्राधान्य वहां पे देना चाहिए। इसकी वजह से शुरुआत में मैंने जो कहा पिछले 2-2.5 महीने में जिस तरह के वाकये हो रहे हैं इसकी वजह से हवाई जहाज में बैठने के पहले अब जो है 10 बार सोचने की वहां पर कहीं ना कहीं नौबत हमारे ऊपर आ गई है। आज की चर्चा को यही पे विराम देते हैं, फिर से मिलते हैं किसी करंट अफेयर से रिलेटेड इशू को आपके साथ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।